सभी तालुका में कुल 375.25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि नवेगांव खैरी पेंच बांध में 85% पानी है। नदी किनारे गांवों व नागरिकों को अलर्ट भी किया गया है। साथ ही राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। पारशिवनी तालुका में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों और पेंच नदी के किनारे रहने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार तक आमदी संभाग में 375.1 मिलीमीटर, पारशिवनी मंडल में 422.3 मिलीमीटर, नवेगांव खैरी मंडल में 342.4 मिलीमीटर और कन्हान संभाग में 261.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नरहर और बनारा गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नवेगांव खैरी पेंच बांध 85% से ज़्यादा पानी से भर गया है और रविवार सुबह पेंच बांध के 16 में से एक गेट खोल दिया गया है। वीकेबी न्यूज़ के लिए मौदा से रोहन मेहर की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।